Hi everyone, welcome to your channel, I learned. आज हम chapter 10 का working with the language करने वाले हैं। अगर आपने इसके पिछले पार्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो टॉप राइट कॉर्नर पे उसका लिंक है, उसे क्लिक करें और जरूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो जो पहला क्वेश्चन है, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे कुछ फ्रेजेस या वर्ड्स दिए हैं, उसकी मीनिंग जो है आपको इन ऑप्शंस में से चूज करना है। सो फर्स्ट इज सन गोइंग डाउन। सो इनफैक्ट अगर आपने हमारे सारे वीडियोस को देखा होगा तो आपके लिए बहुत सिंपल होगा, बिकॉज हमने इन फ्रेजेस या वर्ड्स को डिस्कस किया है ड्यूरिंग लाइन बाय लाइन रीडिंग। सो द फर्स्ट वन इज सन गोइंग डाउन। सो सन गोइंग डाउन का मतलब है इट इज सेटिंग। सेकेंड वन इज ब्राइटनिंग। ब्राइटनिंग का मतलब है मेकिंग इट लुक ब्राइट एंड चीयरफुल। थर्ड इज स्पेशियस। स्पेशियस का मीनिंग है बिग एंड वाइड। प्रोफेसी। प्रोफेसी यानी आगे समय में कुछ होने वाली घटना का जब आप प्रेडिक्शन करते हो उसको प्रोफेसी कहते हैं। सो इट्स अ प्रेडिक्शन। मार्वेलस। मार्वेलस यानी समथिंग वंडरफुल। प्रोक्लेम करना यानी डिक्लेयर करना, कुछ घोषित करना, सो दैट इज डिक्लेयर। सीज। सीज मतलब स्टॉप। अ नाइट्स शेल्टर मतलब अ प्लेस ऑफ स्टेइंग, सो इट इज स्टे। गेज्ड। गेज करना यानी स्टेयर करना, तो इट इज स्टेयर्ड एट। टुक ऑन एन एक्सप्रेशन। टुक ऑन एन एक्सप्रेशन यानी अज्यूम एन एक्सप्रेशन। सो अज्यूम एन एक्सप्रेशन का एक्चुअली मीनिंग होता है कि कोई एक्सप्रेशन आपके चेहरे पे आ जाना या ले लेना, सो दैट इज अज्यूमिंग एन एक्सप्रेशन, मतलब टेकिंग ऑन एन एक्सप्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई डू होप आई लिव टू सी हिम। ही विल कम, फियर नॉट अर्नेस्ट, द मैन विल कम। गैदर गोल्ड इज अराइविंग टुमारो, पीपल सेड। ब्लड एंड थंडर स्टार्ट्स हिज जर्नी बैक टू द वैली नेक्स्ट वीक, एवरीवन प्रोक्लेम्ड। The great man is going to spend his old age in his native town. Notice that in the above sentences, verbs in bold type are in four different forms, denoting four important ways of expressing future time. None of these can be said to be exclusively used to show future time, though each is used to refer to some action in future. So, यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है कि अलग-अलग forms of verb यहाँ पे use किया जा रहा है. So, if we see first one, I will live, so this is in simple future tense. So will के साथ कोई भी verb form use करना. Similarly, I will live की जगह यहाँ पे he will come, so this is also simple future. Is arriving. Is arriving is ing form or we say present continuous. The D part that is starts, ये क्या है? Simple present. And going to. Going to is again present continuous, but a special phrase hai ye, going to phrase. And this is again present continuous, but of course it is a little bit special because present continuous mein ye going to ek phrase hai jo bahut popular hai. So aisa nahi hai ki sirf ye English mein hota hai, hum Hindi mein bhi ye cheez karte hain, but hum kabhi notice nahi karte because jab bhi hum kuch apni mother tongue mein bolte hain to hum is tarah se breakdown nahi karte verbs ko. बट हमें क्योंकि हम बोलते बोलते हमें आदत हो जाती है तो हम कभी नोटिस नहीं करते कि हम फ्यूचर बताने के लिए भी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं. सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस में आप देखोगे तो इट्स रिटन आई विल लिव, तो मैं जीऊँगा, तो मैं जीऊँगा उसको देखने के लिए. ही विल कम, वो आएगा. बट द थर्ड वन इज अराइविंग. गैदर गोल्ड आ रहा है, तो ये हम हिंदी में भी यूज़ करते हैं. वो आ रहा है इज नथिंग बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बट क्योंकि ये एक ऐसा वर्ब है जब हम बोल रहे हैं कि कोई आ रहा है, इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं. तो इट इज़ नॉट बिकॉज कि ये वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा गया है तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर मीन करेगा, बट कौन सा वर्ब आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखा है. सो अब जैसे अराइविंग है, अगर आप लिखोगे गैदर गोल्ड इज कमिंग, तो ये वर्ब ऐसा है कि अगर आपने उसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म लिखा तो आप फ्यूचर में होने वाले किसी इवेंट को डिनोट कर सकते हैं. तो वो आने वाला है, फॉर एग्जांपल. सो अराइविंग या कमिंग बात एक ही है. सो इस तरह से आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कुछ फ्यूचर इवेंट को डिनोट करने के लिए यूज कर दिया. डी पार्ट थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा. सिंपल प्रेजेंट. ब्लड एंड थंडर स्टार्ट्स हिज जर्नी टुमारो. सो ब्लड एंड थंडर जो जनरल है वो कल जर्नी स्टार्ट करता है, ऐसा लग रहा है आपको सेंटेंस. बट व्हाट इट मींस इज कि कल वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा. सो इवन दो आपने सिंपल प्रेजेंट यूज किया है, बट इट्स मीनिंग विल बी दैट कोई काम फ्यूचर में होने वाला है. सिमिलरली एंड ऑफ कोर्स हम इसको डिटेल में देखते हैं कि हाउ इट हैपेंस. नेक्स्ट इज गोइंग टू. सो गोइंग टू इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो जैसा हमने कहा था कि
नॉट बिकॉज कि कुछ चीज़ों को आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखा है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ कि इज ईटिंग, सो इज ईटिंग का सिंपल मतलब है कि कोई खा रहा है, दैट्स इट. खा रहा है और आ रहा है में डिफरेंस है. खा रहा मतलब वो काम हो रहा है अभी, आ रहा है मतलब वो काम फ्यूचर में खत्म होने वाला है. सो समबडी कोई चल रहा है अभी भी या रास्ते में है, बट ये जो इवेंट है, जो प्रोसेस है कि कोई आने वाला है, ये फ्यूचर में खत्म होने वाला है. सो यू ऑलरेडी कुछ कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली उनका जो मीनिंग है फ्यूचर के लिए डिनोट किया जाता है. एंड इसी तरह से गोइंग टू एक स्पेशल फॉर्म है. सो अगर आप कहेंगे कि आई एम गोइंग टू डू इट, आई एम गोइंग टू ईट, सो इनफैक्ट गोइंग टू और प्लस आप कोई भी वर्ब लगा दें, सो दैट मीन्स आप कुछ इमीडिएट फ्यूचर में, स्पेशली आप गोइंग टू का इस्तेमाल इमीडिएट फ्यूचर को बताने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं. इनफैक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म को आप इमीडिएट फ्यूचर में अगर आप कुछ करने वाले हैं तो उसके लिए आप बताते हैं. बट इन सारे फॉर्म से आप कुछ एक्सक्लूसिवली ये नहीं कह रहे हैं कि कोई फ्यूचर टाइम में कुछ होगा. आप कुछ एक डिनोट नहीं कर रहे कि हाँ ये इस समय ये काम होने वाला है. आप कुछ एक स्पेशल एक्सक्लूसिव पॉइंट को डिनोट करने के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं. सो इट कैन बी एनी टाइम, बट डिफरेंसेस क्या है ये हम देखेंगे कि कब आपको किस फॉर्म का इस्तेमाल करना है. बट ये पक्का है कि इन डिफरेंट तरीकों से आप फ्यूचर टाइम को डिनोट कर सकते हैं, नॉट सिंपली विथ फ्यूचर टेंसेस. सो हमने क्या नोटिस किया कि हमने सिंपल फ्यूचर यूज़ किया है, सिंपल प्रेजेंट यूज़ किया है एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ किया है. सो सिंपल फ्यूचर में जस्ट टू रिकैप वुड बी समथिंग लाइक विल कम. सिंपल प्रेजेंट में जैसे एक एग्जांपल में था स्टार्ट्स, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने देखा इज अराइविंग एंड गोइंग टू फॉर्म. तो क्या है ये? सो सिंपल फ्यूचर जब भी आप इस्तेमाल करते हो फ्यूचर की कुछ बात बताने के लिए, तो उनमें क्या पैटर्न होता है, किन चीज़ों के लिए आप यूज़ करते हो? अगर आपने हाल ही में कोई डिसीजन लिया हो कुछ फ्यूचर इवेंट के लिए तो आप सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करते हो. कुछ अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो, आई विल डू इट, मैं ये करूँगा, आई विल ब्रिंग इट, डोंट वरी, मैं ये लेके आ जाऊँगा, डोंट वरी. प्रेडिक्शन करते हो कि कुछ फ्यूचर में होने वाला है, आपने उसकी कोई भविष्यवाणी की, इट विल रेन टुमारो, तो आपने बोला कल बारिश होगी. तो अगर आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं या आपने कोई रीसेंट डिसीजन लिया या आप कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं तो आप सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हो. सिंपल प्रेजेंट का आप इस्तेमाल करते हो जो कि सबसे अनोखा आपको लगेगा, स्पेशली बिकॉज इंग्लिश में ये फॉर्म है बट हिंदी में हम ज़्यादातर इस तरह से यूज़ नहीं करते हैं. टाइम टेबल का जब आप जिक्र करते हो, सो फॉर एग्जाम्पल द ट्रेन स्टार्ट्स एट 8, तो आप बोलते हो कि जो ट्रेन है 8 बजे चलती है. सो When you use it in English, अगर आप यही सेम सेंटेंस बोलते हो द ट्रेन स्टार्ट्स एट 8 AM tomorrow. सो आपने स्पेसिफाई भी कर दिया कि कल 8 बजे ट्रेन स्टार्ट होती है. सो लेट्स सपोज कि ये कल की बात आप कर रहे हो और आज रात है, रात का समय है. सो वेन यू यूज दिस सेंटेंस, आप इस तरह से अगर सेंटेंस यूज करते हो ट्रेन स्टार्ट्स एट 8 AM tomorrow, सो आप दो चीज़ें बता रहे हो. एक चीज़ क्या बता रहे हो कि आप एक फ्यूचर में होने वाली चीज़ को डिनोट कर रहे हो. सेकेंडली ये जो फ्यूचर में चीज़ होने वाली है दिस इज़ पार्ट ऑफ अ टाइम टेबल, मतलब ये चीज़ हमेशा से होती रहेगी क्योंकि उसका एक फिक्स टाइम टेबल, ये ट्रेन 8 बजे रोज़ आती है, कल भी आएगी. तो जब भी टाइम टेबल से रिलेटेड अगर आप कुछ चीज़ बताने वाले हो कि हाँ कल 6 बजे सूरज उगेगा, सो सन राइजेज इन द मॉर्निंग, तो आपको पता है ये एक टाइम टेबल फिक्स है इस किसी चीज़ का, बट ये एक फ्यूचर में का इवेंट भी डिनोट कर रहा है बिकॉज कल ये काम होने वाला है. अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोग्राम कुछ ऑर्गेनाइज किया है, आप बोलने वाले कि हाँ इस समय ये होगा, इस समय ये होगा, सो इवन देन यू कैन से सिंपल प्रेजेंट में उस चीज़ों को आप डिनोट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल द ब्रेकफास्ट स्टार्ट्स एट 10 AM टुमारो, द स्पीच स्टार्ट्स एट 9 AM टुमारो, समथिंग लाइक दैट. प्रेजेंट कंटिन्यूस आप तब यूज़ करते हो जब आप ऐसी चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हो जो ऑलरेडी आपने प्लान करके रखी है. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू प्ले इन द इवनिंग, तो आपने ऑलरेडी प्लान करके रखा है कि हाँ आज शाम को मैं खेलने वाला हूँ. सो इसमें फॉर एग्जाम्पल गोइंग टू फॉर्म यूज हो गया. अगर आपने कोई अरेंजमेंट कर रखी है, सो फॉर एग्जाम्पल आई एम मूविंग टू लंडन टुमारो, सो मैं लंडन मूव करूँ, तो ऑलरेडी आपने एक अरेंजमेंट कर रखा है, आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है एंड आप एग्जीक्यूट करने वाले उस चीज़ को, तो आप फ्यूचर का कोई इवेंट डिनोट कर रहे हो विद प्रेजेंट कंटिन्यूस. इंटेंशन, अगर आपकी कोई एक इंटेंशन है, आपकी कोई इच्छा है, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू लिसन टू द रेडियो, मैं रेडियो सुनने वाला हूँ, तो ये आप अपनी एक इंटेंशन जता रहे हो. नॉर्मली क्या होता है जब भी आप इंटेंशन जताते हो तो दिस इज़ फॉर एन इमीडिएट फ्यूचर. आई एम गोइंग टू लिसन टू द रेडियो 8 days later, ये नॉर्मली आप ऐसा नहीं बोलते हो. जब आप 8 days later के बारे में बोल रहे हो तो यू विल से आई विल लिसन टू द रेडियो 8 days later, बिकॉज तब वो क्या बन जाता है, काइंड ऑफ अ
रीसेंट डिसीजन और अ प्रॉमिस और काइंड ऑफ अ प्रेडिक्शन, बिकॉज 8 दिन के बाद क्या होगा पता नहीं है। सो नॉर्मली आप जब भी इंटेंशंस भी बता रहे हो तो इमीडिएट फ्यूचर के बारे में जब आप कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो, सो और ऑब्वियसली कुछ भी आप कोई भी चीज़ अगर इमीडिएट फ्यूचर के लिए बताने की कोशिश कर रहे हो तो आप इन प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो। ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, आपको ऐसा लगेगा अरे सिंपल फ्यूचर भी यूज़ कर लिया तो क्या प्रॉब्लम है, बट ग्रामेटिकली वो गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझिए, यू कैन स्पेंड सम टाइम, पॉज कर लीजिए वीडियो को, देन अपनी अंडरस्टैंडिंग इस एक्सरसाइज से हम देखते हैं। विच फॉर्म ऑफ द वर्ब इज मोर नेचुरल इन दीज सेंटेंसेज। सो यहाँ पे क्या बोला गया, कौन सा फॉर्म द वर्ब ज़्यादा नेचुरल है। ऑलरेडी आपको एक चीज़ पे हिंट कर रहा है कि नॉर्मली इवन इंग्लिश स्पीकर्स इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, इट्स नॉट लाइक कि बहुत स्पेसिफिकली कोई एक फॉर्म यूज कर रहा है, बट एक फॉर्म दूसरे से ज़्यादा अप्रोप्रिएट है या नेचुरली यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया मोर नेचुरल। सो आपको जो ज़्यादा सही है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस सेंटेंस वो आपको यहाँ पे चूज करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस क्या है, आई एम नॉट फ्री दिस इवनिंग, मैं इस इवनिंग फ्री नहीं हूँ। सो आपने एक कंडीशन सेट कर दी, एंड दिस इवनिंग का मतलब आज इवनिंग, मतलब इमीडिएट फ्यूचर के बारे में आपने बात कर रहे हो। आई विल वर्क - आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। सो ऑलरेडी आपने क्या बोला, मैं इस इवनिंग फ्री नहीं हूँ। अगर आप इस इवनिंग फ्री नहीं हो मतलब आपने कुछ ना कुछ प्लान करके रखा है। सो व्हेन इट इज अबाउट सम सॉर्ट ऑफ अ प्लान, सो आप किसका यूज करोगे, वर्किंग। सो एनी प्लान्ड इवेंट या एनी अरेंजमेंट, एंड ऑल्सो अगर कुछ इमीडिएट फ्यूचर में होने वाला है तो आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, आई एम वर्किंग ऑन अ। सो ऑफकोर्स हो सकता है कि आप लोग आई विल वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट इस टाइप की इंग्लिश यूज करते हो, बट मोर नेचुरल वुड बी आई एम वर्किंग। Have you decided where you will go for your higher secondary? तो इनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुमने डिसाइड किया है कि तुम हायर सेकेंडरी के लिए कहाँ जाओगे। Yes, I have. I will go. I am going to the केंद्रीय विद्यालय। So of course यहाँ पे I am going to the केंद्रीय विद्यालय नहीं होगा, because यहाँ पे आपसे कोई डिसीजन के बारे में पूछा जा रहा है, एंड ऑफ कोर्स वेन यू से yes, I have, इट implies कि आपने कुछ रिसेंटली एक डिसीजन लिया है। सो आप क्या बोलोगे, I will go to the केंद्रीय विद्यालय, तो मैं केंद्रीय विद्यालय जाऊंगा। मैं केंद्रीय विद्यालय जा रहा हूँ इज ऑल्सो राइट, ऐसा नहीं है, इवन हिंदी में भी हम इस तरह से बोलते हैं, हाँ मैं केंद्रीय विद्यालय जा रहा हूँ। बट जब आप बोलते हो मैं केंद्रीय विद्यालय जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, आपका ऑलरेडी एक प्लान था, एक अरेंजमेंट था। सो वॉट इट वुड कन्वे, क्या वो कन्वे करेगा मैसेज की ये आपका ऑलरेडी कुछ अरेंजमेंट था। बट वेन यू से आई विल गो, इसका मतलब आपने एक डिसीजन लिया है। डोंट वरी अबाउट द डॉग, इट वोंट हर्ट, इजंट हर्टिंग यू। सो यहाँ पे इट्स वेरी क्लियर, जब भी आप बोल रहे हो कि अरे चिंता मत करो कुत्ते की, इट वोंट हर्ट यू, ये तुम्हें नहीं काटेगा। सो इट वोंट हर्ट यू, सो दिस इज समथिंग मोर लाइक अ प्रॉमिस। सो इट इज समथिंग लाइक अ प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें नहीं काटेगा। सो इट इज मोर टुवर्ड्स सेइंग दैट प्रॉमिस, और यू कैन इवन से प्रेडिक्शन, बिकॉज आपको पता है ये डॉग का नेचर क्या है, ये दूसरों को परेशान नहीं करता, काटता नहीं। सो इट्स अ प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन सम बिहेवियर, ऑल्सो इट इज काइंड ऑफ अ प्रॉमिस, आप इससे बोल सकते हो अरे भरोसा रखो ये तुम्हें नहीं काटेगा। So, इसलिए will not hurt, so it is a simple future tense. The weatherman has predicted that it will snow - is snowing in Ranikhet tonight. So, weatherman ने क्या predict किया है, prediction आ गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, it will snow. Of course, ये prediction कब हुई, morning में हुई, evening में हुई या दोपहरी में हुई, you can say tonight is an immediate future. So, अगर आप immediate future में हो तो present कंटिन्यूस क्यों नहीं यूज कर सकते हो, अगर तो आप बोलेगी इट इज स्नोइंग इन रानीखेत टुनाइट, सो ऑफकोर्स नहीं, बिकॉज यू आर प्रेडिक्टिंग समथिंग। सो नॉर्मली जब आप इस तरह के कन्फ्यूजन जब होते हैं तो आपको वेन करना है कि क्या हम प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं या ऑलरेडी हमारा कुछ प्लानिंग है, कुछ इंटेंशन है या कुछ अरेंजमेंट है। सो अगर इन तीनों में से कुछ नहीं है, सो एंड इफ इट्स अ प्रेडिक्शन, सो द बेस्ट सूटेड फॉर्म वुड बी सिंपल फ्यूचर, सो इट विल स्नो इन रानीखेत टुनाइट। स्वप्ना कांट गो आउट दिस इवनिंग, यहाँ पे क्या बोला गया, स्वप्ना आज शाम को नहीं जा सकती बाहर, नहीं जा सकती बाहर, ये समथिंग इज लाइक दिस, आई एम नॉट फ्री दिस इवनिंग, मतलब ऑलरेडी कुछ रीजन इन प्लेस है। हर फादर - टू सी हर, सो लाइक द फर्स्ट केस ऑलरेडी कुछ है, पता है उनको, कुछ अरेंजमेंट है, कुछ प्लानिंग है या कुछ इमीडिएटली होने वाला है, इसकी वजह से वो नहीं जा पाएगी। सो यहाँ पे क्या आएगा, इज कम, सो हर फादर इज कमिंग टू सी हर। सो आई होप इन 5 एग्जाम्पल्स आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ गया होगा कि हाउ टू डील विद
दीज थ्री डिफरेंट फॉर्म्स, कैसे ये आपको यूज़ करना है, कहाँ पे कौन से यूज़ करना है, एंड ऑफ कोर्स अच्छे एग्जांपल्स दिए गए हैं ताकि आपको यू नो थोड़ा कंफ्यूजन भी आ रहे, सिंपल प्रेजेंट फ्यूचर यूज़ करूँ या प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करूँ। एक और एक्सरसाइज दी गई है यहाँ पे वेयर आपको विल या गोइंग टू में से आपको चूज़ करना है। सो ऑफकोर्स दिस इज सिंपल फ्यूचर एंड दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक स्पेशल फॉर्म दैट इज गोइंग टू फॉर्म। तो ऑफकोर्स हम लोग सेम तरीका अपनाएंगे, हम लोग देखेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या चीज़ के यहाँ पे बातें हो रही हैं, एंड हम ट्राई टू मोर नेचुरल फॉर्म यूज़ करने की कोशिश करेंगे। सो रानी क्या बोल रही है, वाई आर यू टर्निंग ऑन द रेडियो, तुम रेडियो क्यों ऑन कर रहे हो। सो ऑफकोर्स ये एक्शन अभी हो रहा है, समथिंग इज गोइंग ऑन ऑलरेडी राइट नाउ। सो रवि क्या बोलता है, आई डैश टू द न्यूज़, सो लिसन यूज़ करना है आपको। आई विल लिसन टू द न्यूज़ नहीं होगा, आई विल लिसन टू द न्यूज़ क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रीसेंट डिसीजन नहीं ली जा रही है, क्यों, ये ऑलरेडी उसने रेडियो ऑन कर दिया, सो डिसीजन का प्रोसेस खत्म हो चुका है ऑलरेडी। सेकेंड, यहाँ पे कोई प्रेडिक्शन नहीं हो रहा, सो यहाँ पे एक इमीडिएट फ्यूचर में एक एक्शन हो रहा है या होने वाला है उसके बारे में रवि बताएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, आई एम गोइंग टू लिसन टू द न्यूज, सो आई एम गोइंग टू लिसन टू द न्यूज, सो आई एम, सो गोइंग टू फॉर्म यहाँ पे लग जाएगा। सेकेंड कॉन्वर्सेशन क्या है, रानी कह रही है, ओ आई कॉन्ट बाय दिस बुक, आई हैव नो मनी, मैं ये बुक नहीं खरीद सकती, मेरे पास पैसे नहीं है। सो रवि क्या बोल रहा है, डोंट वरी आई डैश लेंड यू सम, सो मैं कौन सा फॉर्म आएगा, आई एम गोइंग टू लेंड यू सम कैन बी यूज्ड, आप यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग करने गए हो, आई विल लेंड यू सम, मैं अभी तुम्हें दे दूंगा कुछ पैसे, बट मोर अप्रोप्रिएट फॉर्म क्या होगा, आई विल लेंड यू सम, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, टेंशन मत लो, इट्स लाइक अ प्रॉमिस, सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्रॉमिस समथिंग, सो द मोर अप्रोप्रिएट फॉर्म क्या होगा, आई विल, सिंपल फ्यूचर, सो आई विल लेंड यू सम यहाँ पे हो जाएगा। I am going to lend you some, कुछ cases में आप use कर सकते हो, I don't worry, मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो based on the situation, going to can also come, but of course more appropriate form यहाँ पे I will lend you some। रानी look at those dark clouds, so यहाँ रानी क्या बोल रही है, अरे उन dark clouds को देखो, मतलब dark clouds already आ चुके हैं आसमान में और उनसे देखने के लिए बोल रही है, so this is the present moment, ये present में ये चीज़ हो रही है। रवि क्या बोलेगा, I think it dash, तो रवि क्या कर रहा है, कुछ prediction करने वाला है, but ऑलरेडी डार्क क्लाउड्स हैं, मतलब जब भी घने बादल होते हैं, काले बादल होते हैं, तो आपको पता है बारिश होने वाली है। सो यहाँ पे सॉर्ट ऑफ इट्स अ कन्फर्मेशन, इट्स नॉट लाइक कि आपको कुछ प्रेडिक्शन करने की जरूरत है, प्रेडिक्शन आप तब करते हो जब कोई चीज़ डायरेक्टली क्लियर नहीं है, एंड यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर हो चुका है कि डार्क क्लाउड्स आ गए, सो इट इज़ गोइंग टू रेन, तो आप रवि क्लियरली सर्टेनिटी के साथ, लिटिल बिट मोर सर्टेनिटी के साथ कह सकता है कि इट इज़ गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। सो आई थिंक इट विल रेन अगर आप बोलोगे तो वो श्योर नहीं है, बट आई थिंक इट इज़ गोइंग टू रेन अगर बोलोगे तो वो ज़्यादा सर्टेनिटी के साथ बोल रहा है इमीडिएट फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड ऑफकोर्स कैसे आप डिसाइड करोगे, क्योंकि डार्क क्लाउड्स ऑलरेडी हैं, सो इस कॉन्टेक्स्ट को आप समझ रहे हो, सो दिस इज द मोर नेचुरल वे ऑफ आंसरिंग। रानी वॉट शैल वी हैव फॉर डिनर, सो हमें क्या डिनर में क्या खाना चाहिए। रवि बोलता है आई कॉन्ट डिसाइड, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा। रानी बोलता है मेकअप योर माइंड, अपना दिमाग सेट कर लो कि क्या खाना है, तो मेक अप योर माइंड। रवि ऑल राइट देन, अब जो है रवि क्या बोल रहा है, ऑल राइट ठीक है, अब वो क्या बोलेगा, वी हैव डैश फ्राइड राइस एंड ड्राई बीन्स, सो अब यहाँ पे वो क्या ले रहा है, एक डिसीजन ले रहा है, तो रीसेंट डिसीजन जब आप लोगे तो क्या बोलोगे, सिंपल फ्यूचर, सो वी विल हैव, हम ये खाने वाले हैं। रानी व्हाई आर यू फिलिंग द केटल विथ वाटर, सो मतलब ऑलरेडी रवि क्या कर रहा है, केटल में पानी भर रहा है, तो ये एक्शन हो रहा है अभी, तो दिस इज आवर कॉन्टेक्स्ट। रवि के आंसर देगा आई डैश कॉफी, सो यहाँ पे आई विल मेक कॉफी नहीं होगा, मैं कॉफी बनाऊंगा नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी वो पानी भर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो कॉफी बनाने ही वाला है, सो आई एम गोइंग टू मेक कॉफी, तो मैं कॉफी बनाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू मेक कॉफी। वी नीड सम ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, रानी क्या बोल रही है, हमें ब्रेड एंड बटर चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए, सो ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए, तो हो सकता है एक दिन पहले रात को वो ये डिस्कस कर रहे हैं। ऑल राइट आई डैश गो टू द बेकरी एंड गेट सम, तो फिर रवि क्या बोल रहा है, ठीक है मैं बेकरी जाऊंगा और ले आऊंगा, सो ये वो क्या कर रहा है, एक प्रॉमिस कर रहा है कि ये काम करेगा, सो ये यहाँ पे क्या आएगा, विल फॉर्म, आई विल गो टू द बेकरी एंड गेट सम। बिफोर ही गोज आउट रवि टॉक्स टू देयर फादर, तो अब यहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट हमारे लिए सेट किया गया है, कि जाने से पहले रवि अपने पापा से बात करता है, रवि क्या बोल रहा है, आई डैश गेट सम ब्रेड एंड बटर, डू यू वॉन्ट एनीथिंग टू द बेकरी, सो यहाँ कॉन्टेक्स्ट क्या है कि वो बस जा ही रहा है बाहर, उससे पहले पापा से बात कर रहा है, तो अभी कि वो क्या बोलेगा, आई एम गोइंग टू गेट सम, मैं बाहर जा रहा हूँ लाने, आपको कुछ बेकरी से चाहिए, सो यहाँ पे आई विल गो नहीं आएगा, आई एम गोइंग टू, वो जस्ट जाने से पहले ही बातें कर रहा है,
फादर क्या बोल रहे, यस आई वॉन्ट सम सॉल्ट बिस्किट, हाँ मुझे सॉल्ट बिस्किट्स भी चाहिए। तो रवि क्या रिप्लाई करेगा, फाइन आई डैश गेट यू अ पैकेट। तो यहाँ पे वो क्या बोलेगा, ठीक है मैं ले आऊँगा, ले आऊँगा, इट्स अ प्रॉमिस। तो आप क्या यहाँ पे लिखोगे, आई विल गेट यू अ पैकेट। सो आई होप इस एक्सरसाइज से आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि कैसे इन तीन फॉर्म्स के बीच में आपको जगल करना है एंड राइट वे में आंसर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। इस चैनल पर अगले वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।